क्या कहते हैं ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड, किसको झटका लग सकता है और कौन आज बाहर हो सकता है। 6 बजे तक वोटिंग लाइन ओपन है और आप जानते ही हैं कि अब ये फिनाले वीक झटकों वाला हफ्ता होगा, जहां एक के बाद एक कई झटके लगते हुए नजर आएंगे। तो सभी के सभी नॉमिनेटेड हैं और आज घर के अंदर शायद लाइव ऑडियंस आएगी, क्योंकि यहां पर जो है आज सुबह सुबह मना रही है बोलती हुई नजर आई कि अरे रात भर में इन लोगों ने पूरे काले पंखे लगा दिए, शायद बड़े बड़े कुछ लगाया होगा, या मुझे तो ये लगता है कि जर्नी वीडियो के लिए भी कर सकते हैं वो लोग ये पूरा सेटअप। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अब यहां पर जो ये 6 लोग नॉमिनेटेड है, इनके वोटिंग ट्रेंड्स की मैं बात करूं तो यहां जो चीजें देखने को मिल रही है उससे तो ऐसा लगता है कि इस वोटिंग ट्रेंड में सबसे ऊपर जो है यहां पर टॉप की जगह अगर हम बॉटम से शुरू करें तो उस बॉटम में विक्की भैया हैं और विक्की भैया से ऊपर यहां अरुण है। तो विक्की भैया जब भी नॉमिनेशन में आते थे और अंकिता नहीं होती थी नॉमिनेशन में, तो अंकिता के फैंस विक्की भैया के लिए वोट कर देते थे, लेकिन अब इस हफ्ते ये सभी अगर नॉमिनेटेड हैं तो विक्की भैया को अंकिता के वोट्स तो नहीं ही मिलेंगे, ये बात तो पक्की है। तो यहां अब देखने को मिल रहा है कि यहां पर जो वोट है विक्की भैया को वो सबसे कम मिल रहे हैं और 5वें नंबर पर यहां पर जो है वो अरुण है। 4थे नंबर की मैं बात करूं तो हमारी मनारा मैडम है। हालांकि बहुत ज्यादा जो है उनको लेकर मैं सोशल मीडिया पर देखती हूं कि मनारा और अंकिता को लेकर लगातार इस बात की बहस छिड़ी हुई है कि यहां कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट करने की कोशिश जो है की गई है। पर मैं आपको ये बता देती हूं कि मुझे ये लगता है कि यहां आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। आप लोगों को उनके सारे जवाब सुनने को मिलेंगे, एक क्लोजर की टाइप होता है ना कि पूरे एपिसोड की जर्नी, और बिग बॉस भी लगातार बार बार बोल रहे थे कि आप लोगों ने तो पूरा का पूरा एपिसोड ही बता दिया है, मतलब एक सवाल में ये लोग जवाब ऐसे दे रहे थे पहले एपिसोड से लेके आखिरी एपिसोड तक के, भले ही सवाल उनसे हाल का पूछा गया हो पर पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना पूरे 3 महीनों का नरेशन हर कंटेस्टेंट ने दिया है अरुण को छोड़कर, तो ऐसा लग रहा था कि मानो पूरे पूरे एपिसोड बैठ के फिर से उनके मुंह से सुन रहे हैं, इसलिए 3.5 से 4 घंटे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो यहां अब 4थे नंबर पर जो है मनारा है, 3रे पर अंकिता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अंकिता को किसी तरीके से ऊपर लाने की कोशिश जरूर की जा रही है, और इसीलिए वीकेंड का वार में भी आपने देखा कि अंकिता के फेवर में बहुत सारी चीजें बोली गई। कल के प्रोमो में भी मुझे ये लगा कि एडिटिंग कुछ इसी तरीके से की गई, जो सब चीजें अंकिता के फेवर में दिखाई जा रही है और मनारा के अगेंस्ट, जबकि ऐसा नहीं था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अंकिता के खिलाफ भी पूछी गई, तो बैलेंस जो है मुझे खुद को भी नहीं दिखा है। लेट्स सी, लेकिन वो चीजें जो है शायद आज के एपिसोड में जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तब क्लियर हो जाए। तो 2nd नंबर पर अभिषेक है और यहां पर 1st नंबर पर मुनावर है। तो अभिषेक डार्क हॉर्स की तरह आगे आए हैं, लेकिन मुझे अभी भी ये फील होता है कि शायद ट्रॉफी जो है उनके हाथ में ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो बाकी कॉन्टेस्टेंट है पुराने हो या एल्विश हो या अनुराग हो, जिन्होंने अभिषेक को लेकर अपील की है, उनके फैंस का सपोर्ट जो है वो वोट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि आज का एपिसोड काफी मायने रखेगा इस बात को तय करने में कि लोगों का माइंडसेट जो है किस तरीके से बदलता है और क्या आगे चीजें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आज किसका पत्ता कट सकता है, या फिर मैं सीधे पूछूं तो आपको कौन लगता है कि इनमें से डिजर्विंग नहीं है जो इस समय यहां पर बैठा हुआ है, तो आप लोग बताइएगा जरूर।